हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनपीसी। माय नेम इज़ तृप्ति एंड दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड वैक्यूम ट्यूब के बारे में सीखा था एंड दिस लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, एंड फर्स्ट लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको, और इन सभी लेक्चर्स के नोट्स टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड किए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? तो कंडक्टर में इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इट मीन्स वहाँ पर जो कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली फ्लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किन चीज़ों में मिलती है? कंडक्टर्स में। ओके, क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो जाता है। बट सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली नहीं हो पाता है, इट मीन्स उसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में, इसका मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। इंसुलेटर में नहीं हो रहा है, इट मीन्स कंडक्टिविटी लो है। ओके, अब कंडक्टिविटी समझ गए। अब कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम इन तीनों मटेरियल्स का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी होती है 10^-2 टू 10^-8। ओके, अप्रोक्स 10^-2 टू 10^-8 कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टिविटी हाई होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इजीली हो जाता है। ओके, तो रेजिस्टिविटी तो लो होगी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रजिस्टर करने के लिए तो कोई अदर मटीरियल वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है, और कंडक्टिविटी हाई होती है। तो कंडक्टिविटी अप्रोक्स 10^2 टू 10^8 होगी फॉर कंडक्टर। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर के लिए, रेजिस्टिविटी 10^-5 टू 10^6 होगी एंड कंडक्टिविटी 10^5 टू 10^-6। ओके, जस्ट कंडक्टिविटी का ऑपोजिट है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है एंड रेजिस्टिविटी को रो से। ओके, एंड फॉर द इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी हाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है, इट मीन्स उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है, और इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी हाई इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी 10^11 टू 10^19 होगी, और इसका जस्ट आप रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज मीन्स कंडक्टिविटी 10^-11 टू 10^-19। ओके, अब ये जो आपको नंबर्स गिवन है ये एग्जैक्टली नहीं है, इसके अप्रोक्स जो है वो वैल्यू आपको मिल सकती है। ठीक है, ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर देखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही डायग्राम में सबसे पहले आपका कंडक्टर, ठीक है, फिर इंसुलेटर और फिर सेमीकंडक्टर, इन तीनों के बारे में हम वन डिस्कस करते हैं। कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे? कि आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, सपोज आपके पास एक मटेरियल है, और मटेरियल में क्या होता है? एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स में न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होता है, जस्ट पास वाला न्यूक्लियस, जैसे आपका ये एटम है, इसमें न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ये ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस के जब सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हैवीली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, बट जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करके फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स कंडक्टर में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री होते हैं, उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी बनती है कंडक्टर में। सो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ओके, अब इसके पहले कंडक्टर को एनर्जी बैंड में समझने के पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होता है। तो जब हम किसी एटम की बात करते हैं, एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उन्हें ही बोलते हैं हम वैलेंस बैंड।
ठीक है, वो जो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है आउटर ऑर्बिट के रीजन में, ओके, उसे ही हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। बट जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके इस इलेक्ट्रॉनिक या इस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर होते हैं तो इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक अदर रीजन में जाते हैं उसे बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की इस तरह की कैटेगरी होती है कि इसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। किसमें? कंडक्टर में। ठीक है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड, सॉरी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा गेप नहीं होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। ओके, मीन्स एनर्जी गेप होता है यहाँ ज़ीरो। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा गेप होता है। ठीक है, और इंसुलेटर में यह होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि वैलेंस बैंड तो पूरी तरह से भरा होता है बट कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड फिल होता है पूरा इलेक्ट्रॉन से बट कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, सो एनर्जी गैप विल बी लार्ज, मोर देन 3 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, एंड एग्जाम्पल कंडक्टर के ले लें कॉपर एल्यूमिनियम, इंसुलेटर के लिए माइका एंड पेपर, एंड फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, ओके, एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है इंसुलेटर में, बट कंडक्टिविटी इसकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, सो एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है और काफ़ी कम भी नहीं होता है। ठीक है, ओवरलैप भी नहीं करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर कि जैसा एनर्जी गैप भी नहीं होता है। अप्रोक्स लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड इसका एनर्जी गैप होता है, मीन्स एनर्जी गैप इज़ वेरी स्मॉल। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर द मोस्ट कॉमन सेमी कंडक्टर मटीरियल्स। ओके, और इन दोनों के इर्द गिर्द ही हमारा ये चैप्टर घूमेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।